पाकिस्तान से आ रहा पश्चिमी विक्षोभ 72 घंटे में होगी इन राज्यों में भारी बारिश, हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल। एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया। एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। पाकिस्तान में एक पश्चिमी विक्षोभ उठा है जो अगले 24 घंटे में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंच जाएगा। विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे हिमालयन क्षेत्र में कई जगह भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कई तटीय इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। देहरादून सेंटर ऑफ द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेड दैट इट मे रेन इन द हायर रीचेस ऑफ द माउंटेन्स ऑन थर्सडे। The meteorological department has said that there will be very light rain and snowfall at isolated places in the high altitude areas in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Terry, Dehradun, Pithoragarh and Bageshwar districts. The meteorological department said that on November 10, Uttarkashi, Chamoli, Terry, very light rain has been predicted in Dehradun, Pithoragarh, Bageshwar and Almora, Champavat, Nainital districts. There may also be snowfall at some places at an altitude of 3,500 meters and above, due to which cold will knock in the state. A possibility has been expressed, where people have been appealed to be careful. Apart from this, there is also a possibility of drop in temperature in the northeastern states. भारतीय मौसम विभाग के देहरादून केंद्र ने बताया है कि पर्वतीय की ऊंचाई वाले स्थान में गुरुवार को बरसात हो सकती है। मौसम विभाग में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर जनपदों में ऊंचाई वाले क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की बरसात तथा बर्फबारी होने की बात कही है। मौसम विभाग ने बताया कि 10 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल जनपदों में बहुत हल्की बरसात होने का पूर्वानुमान जताया है। 3,500 मीटर और उससे ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके चलते राज्य में ठंड दस्तक दे देगी होने की संभावना जताई गई है, जहां लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई है। वेदर फोरकास्ट, पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी। न्यू दिल्ली, The month of November is considered very important in terms of drop in temperature, in which the severity of cold increases significantly. These days, due to active western disturbance, the sky is cloudy in many areas of North India, due to which rain can be seen at some places and even snowfall at some places. In some parts, snowfall has made the environment completely cool, due to which people are facing problems. Apart from this, the smoke in the sky of Delhi has increased the problems of the people, due to which the pollution level is continuously falling. Due to rain in many areas of South India, many places were flooded, due to which even the pedestrians had to face problems. Meanwhile, the Indian Meteorological Department IMD has predicted heavy rains in many states of the country. नई दिल्ली, नवंबर का महीना तापमान में गिरावट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें सर्दी का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। कुछ हिस्सों में तो बर्फबारी ने तो वातावरण एकदम कूल कूल बना दिया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली के आसमान में धुएं की गुबार ने लोगों की परेशानी बढ़ दी है, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में बारिश होने से जगह जगह पानी भर गया, जिससे राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। इन हिस्सों में होगी तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम बारिश। IMD हैज इशूड अ वार्निंग ऑफ हैवी रेन एंड स्नोफॉल इन मेनी एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। There is a possibility of rain in lower parts of Himachal Pradesh and snowfall at higher altitudes. It is expected that strong winds will continue here. Apart from this, the weather patterns can change significantly in the hilly states as well as in the capital Delhi and Rajasthan. At the same time, a warning of rain has been issued in some areas of Rajasthan around 9th to 10th. Light drizzle may also continue in Delhi. Pollution levels may increase significantly in New Delhi, where rain may come as a relief to the people.
आईएमडी ने अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी का दौर जारी करने की संभावना जताई गई है। यहां तेज हवा का दौर भी जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजधानी दिल्ली और राजस्थान में भी मौसम का मिजाज काफी बदल सकता है। वहीं 9 से 10 तारीख के आसपास राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली में तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी जारी रह सकती है। नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ सकता है, जहां बारिश लोगों की राहत बन सकती है। इन हिस्सों में होगी बारिश पाकिस्तान। There will be heavy rain in these states in 72 hours. Heavy rainfall and snowfall. The weather is going to change once again. Indian Meteorological Department has issued weather forecast till November 12th. The weather is going to change once again. The Indian Meteorological Department has issued a weather forecast till November 12th. A western disturbance has arisen in Pakistan which will reach Rajasthan, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand in the next 24 hours. Due to the effect of the disturbance, there is a possibility of heavy rain and snowfall at many places from Jammu and Kashmir to the entire Himalayan region. Apart from this, rain will be seen in many coastal areas of the South Peninsular region. IMD के अनुसार, देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के कई इलाकों में बादलों की गरज और चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल में भी बिजली की चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है, जहां लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई है। There will be rain in these parts. According to IMD, there may be a period of rain in the southern parts of the country. Rain with thunder and lightning is expected in many areas of Tamil Nadu. Apart from this, there is a possibility of heavy rain with lightning in Karnataka and Kerala, where people have been appealed to be cautious. Apart from this, there is also a possibility of drop in temperature in the northeastern states.